अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ तो जनाब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ में किचन में आई हूँ और आज के हवाले से जो मैं बताऊँगी आप लोगों को जो किस तरह से मैं अपने दिन को जो है मैनेज करती हूँ घर के कामों में तो मेरा भी सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके एक औरत का जो अपने घर में काम कर करना होता है और एक नॉर्मल लाइफ होती है जो गुज़रती है वही सेम मेरे साथ भी है यहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है फजर की नमाज के बाद जो है जिन लोगों के बच्चे होते हैं उन्हें नाश्ता करा के जो है स्कूल भेज देते हैं और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले जाते हैं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे हस्बैंड होते हैं जो सुबह के टाइम नाश्ता करके वो चले जाते हैं फिर मैं दोबारा से अगेन से सो जाती हूँ और मेरा फिर ग्यारह बजे मैक्मम मैं उठ जाती हूँ हाँ कभी कभी जो है मैं थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ तो लेकिन यह है कि मैं अपने काम को और टाइम को मैनेज कर लेती हूँ तो मेरे लिए जो है कोई परेशानी नहीं होती अगर हम प्लानिंग के साथ जो अपने काम और टाइम को सेट रखें तो नाश्ता करने के बाद वही सोच आती है हर और हर औरत को कि हाँ हमने जो है क्या पकाना है और आज क्या पकेगा घर में हर घर की यही कहानी होती है तो मेरा तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या पकाना है इस दिन क्या नहीं पनाना है तो इस तरह से ये मेरी माइंड में एक लिस्ट बनी हुई होती है हाँ अगर किसी दिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बोल देते हैं कि आज ये पका दो तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है तो हम सब को हम सब तो वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान की कुकिंग वैरायटी किस कितनी ज़्यादा है और कभी कोई सामान होता है घर में कभी नहीं होता तो उसी हवाले से जो है ना हमें अपनी वैरायटी का जो खाने की जो हम बनाते हैं उसी हवाले से हमें अपना काम करना होता है ये विंडो मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मुझे इस विंडो से जो आ, मतलब सुकून मिलता है देख के और इतनी ग्रीनरी गी मैंने इधर की हुई है तो ये मेरी और मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ये विंडो पसंद आती है और तो वो अक्सर यही कहते हैं कि तुमने जो है बहुत अच्छी जो है न ये विंडो सेट की है बहरहाल हर मामले में हर इंसान का अपना अपना नसीब होता है किसी को कुछ ज़्यादा ही आराम मिलता है और किसी को बेसकूनी मिलती है थोड़ी तो आ, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सुकून और आराम की ज़िंदगी जो है नसीब करें बहरहाल एक औरत जो है अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होती है चाहे वो हाइफ हाउस वाइफ बनकर औरत घर को चलाए और चाहे वो जॉब की सूरत में तो हाँ जोनों ही सूरतों में जो है ना औरत को जो है ना अपना जो ना टाइम और अपना घर का वर्क जो है मैनेज करना पड़ता है बिना पिनारिन के तहत कुछ भी नहीं होता तो इसी तरीके से मेरी भी रोज़ाना की ऐसी ही रूटीन बनी हुई है कि मैं जो प्लानिंग करती हूँ बस उसी हिसाब से मैं अपने पूरे दिन को ले चलती हूँ तो जनाब यहाँ पे जो है मैंने पराठे बना लिए एक मेरी बेटी का और एक मेरा और जिसमें से आधा पराठा बच भी गया तो बस हमने जो है ना यहाँ पे अच्छे से नाश्ता किया है नाश्ता करने के बाद जो है ना हम थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है ज़ाहिर एक दम से तो काम नहीं कर सकते या आपकी खाली पेट में जो गज़ा जाती है उसे भी थोड़ा सा टाइम दिया जाता है डाइजेस्ट होने के लिए एक बेचैनी सी रहती है अगर हम अपने घर की क्लीनिंग ना रखें सफाई ना रखें तो बस मेरे साथ भी वही हाल है तो यहाँ पर जो है बस मैंने जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज करना स्टार्ट कर दी है और बेडशीट मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वीक में जो है एक से दो बार चेंज करती रहती हूँ कहते हैं कि सफ़ाई नफ़ ईमान है तो बस मेरा भी ऐसा ही हाल है मुझे भी बड़ी बेसकूनी रहती है अगर मेरे घर में क्लिन ना हो और ये बेड शीट वग़ैरह चादरें वगैरह अच्छी साफ सुथरी धुली हुई ना हो तो मुझे बड़ी बेचैनी रहती है और एक ये होता है ना कि आप इंसान अपना आप भी जो है ना कुछ हेवी बोझ बोश्च, बोझ सा जो फील कर रहा होता है तो बस यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही है तो बस मेरे अंदर ये आदत है कि मैं वीक में एक से दो बार जो है बेड शीट को लास्ट में चेंज करती हूँ क्योंकि ये इतनी यूज होती है इसका इतना इस्तेमाल होता है कि बाकी इसे चेंज कर करना ही करना चाहिए तो बस यहाँ पे जो है मैं बेड वग़ैरह चेंज कर रही थी साथ में फिलो कवर भी इससे चढ़ा रही थी और ये तो जनाब YouTube पे मेरा वीडियो बनाना जो है मेरी हॉबी बन चुकी है और मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बहुत शौक से जो है मैं YouTube पे काम करती हूँ और इससे जो है मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ और आप लोगों से भी अपनी लाइफ को शेयर करती हूँ तो जनाब ये YouTube पे वीडियो बनाने का और इसका जो व्लॉगिंग करने का जो है मुझे आज से पाँच साल पहले किसी ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था और तब मैंने इसे जो बहुत हल्का लिया और मैंने बिल्कुल भी जो है ना इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना टाइम इस तरह से गुजार दिया तो अगर मैं पहले ये काम करती आ रही होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँची होती तो बस आ, उस टाइम पे तो मेरी बेटी भी नहीं थी तो अब तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी है तो बस इन इसको भी साथ ले चलती हूँ अपने घर के काम भी करती हूँ और अपने जो है ना यूट्यूब के चैनल को भी देखती हूँ आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो काम करती हूँ वो अपनी शौक़ की वजह से करती हूँ और कोई मजबूरी नहीं है अलहमद तो बस यहाँ पे जो है आ, मैं अपना टाइम भी इस तरह से मेरा पास हो जाता है और एक तरह से जो है ना उधर उधर की सोचें भी नहीं आती बस आप अपनी यूट्यूब के हवाले से फ़ोकस रखते हैं तो बस यही काम होता है तो इसीलिए जो है मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती मैं बस एक हफ्ते में दो से तीन तीन से या चार वीडियो जो मेरी आती हैं और एक दिन छोड़ के मैं इस तरह से अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि वही बात है ना कि थोड़ा सा टाइम भी मैनेज करना पड़ता है और वीडियो का कंटेंट भी बनाना पड़ता है इसके अलावा जो है बस अल्लाह ताला जो है हर किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता तो जो लोग मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उनका उसका सिला और फल ज़रूर देता है तो इन ताला मुझे भी आ, इसका फल जरूर मिलेगा जो कि मैं वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पर काम करती हूँ तो जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने क्लीनिंग करी है बहुत अच्छे से कमरे की सफाई करी है और ये देखें जी यहाँ पे जो है मैं गिलास भी साफ़ कर रही हूँ तो इस रूम की जो विंडो जो है ना बहुत बड़ी है और पूरे ये ग्लास लगा हुआ है तो बस इसे भी यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और यही सोच आ रही थी कि डे बाय डे जो है वेदर अच्छा होता चला जा रहा है तो मैं इसे जो साफ़ करके इस तरह से छोड़ दूँ क्योंकि मैं बाद में जो है ना इसके कर्तन भी हटाया करूँगी तो यहाँ पर जो है ना अच्छा लगता है कि बाहर क्लियर नज़र आए और डस्ट ना हो एक तो मेरा बस चले तो मैं बाहर से भी साफ करूं लेकिन ये विंडो ओपन नहीं होती यहाँ से मैं बाहर से बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकती ये तो भाई जिसकी बिल्डिंग है वही करवा सकता है तो जनाब मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है मैंने चिकन जिली है और इसके जो है मैं यहाँ पे जो है इसमें दही डाल रही हूँ दो से तीन चमचे दही डाले हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम डाली है और साथ में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और यहाँ पे जो है मैं भुना हुआ कुटा हुआ इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और ये मैं बना रही हूँ मलाई बोटी जो कि मैं ग्रिल पैन पर इसे ग्रिल करूँगी और साथ में जो है यहाँ पर जो है मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी हैं यहाँ पे जो है मैं हरी मिर्च और हरा धनिया का जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया है साथ में जो है मैंने इसमें नमक डाला है और साथ ही जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है पिसा हुआ और ये जो है मैं यहाँ पे लेमन जूस के इसमें दो से तीन चमचे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बस और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दूँगी मैंने चिकन ली थी तकरीबन 900 ग्राम के करीब तो बोनलेस चिकन से मैं ये बना रही हूँ तो इसे मैंने हाफ हाफ़ कर लिया था इस तरह से मलाई बोटी का लगा दिया मसाला और अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे टिक्का बोटी का मसाला लगा रही हूँ शान के पैकेट से तो यहाँ पे मैंने दो से तीन चमचे तकरीबन जो है टिक्का बोटी मसाले के मैंने छोटे वाले डाले हैं ऐड करा है साथ में पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करी हैं और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी और यहाँ पर जो है मैंने काली मिर्चें भी ऐड करी हैं इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जो है जो मैं रख रखती हूँ घर में वो मैंने इसमें डाला है और साथ में मैंने हरा मसाला डाला है हरा धनिया और हरी मिर्च हरी मिर्च का और साथ में जो है यहाँ पे मैं लेमन जूस इसमें डाल दूँगी दो चमचे तो यहाँ पे जो है दही मैंने डालना है वो मैंने डाला है दही और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ ही जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है बस फिर इन सबको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके और पैक करके जो है इसे कवर करके रख दिया है आप लोगों के साथ सारे दिन की जो प्लानिंग है वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ साथ में रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी जो है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ये जो है यहाँ पे जो है अब मैंने सीखों को अंदर पर लगा दिया है मैंने इस तरह से और मैं इसे ग्रिल पेंट पे सेकूंगी तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया है ऑयल का और थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने ग्रीन पेन पे और सारी जो स्टिक जो हैं मैंने ऐसे रख दी हैं और ये तकरीबन दस मिनट में पूरी कुक हो गई थी और बहुत ही सॉफ्ट भी ये बनी थी बारबी क्यों हमारा रेडी हो रहा है चूल्हे पे रखा हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं इसकी सॉस बना लेती हूँ दो चमचे जो है यहाँ पे मैंने मायो डाले हैं और यहाँ पे जो है रेड चिली जो है सॉस मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी और इसे मैंने अच्छी तरीके से मिस कर लिया है ये देखें जी हमारी ये सॉस रेडी हो चुकी है और अब यहाँ पे जो है मैंने जो है मलाई बोटी रख दी है अब मलाई बोटी जो है ये भी हमारी दस मिनट में कुक हो जाएगी तो जनाब ये देखें आज की हमारी प्लेटर का फाइनल लुक और अच्छे से मैंने इसमें ओनियन और टमाटोज वगैरह रखे हैं और बहुत मजे का इसका टेस्ट है ख़ास तौर पर जो मलाई बोटी जो बहुत ही सॉफ्ट बनी थी सॉफ्ट तो वो भी बनी थी लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी आप लोगों को दिख रही होगी कि याद से तो आप देख सकते हैं आज का जो ये मेरा डिनर है खाना है और ये है मेरी प्लेट जो मैं खा रही हूँ इसमें खाना खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया इसके बाद जो हम अपनी वीकली ग्रॉसरी करने के लिए आ गए थे पांडा तो जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आएगा मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़